भीम आर्मी चीफ चंद्रशेखर आजाद पर हुए हमले के खिलाफ सड़कों पर उतरे कार्यकर्ता। बुलंदशहर में हमलावरों को शीघ्र गिरफ्तारी के लिए सिटी मजिस्ट्रेट को सौंपा ज्ञापन। भीम आर्मी कार्यकर्ताओं ने कलेक्ट्रेट गेट पर किया प्रदर्शन और आरोपियों को गिरफ्तार करने की मांग की। कार्यकर्ताओं की मांग है कि भीम आर्मी चीफ चंद्रशेखर को जेड प्लस सुरक्षा दी जाए। बुलंदशहर कलेक्ट्रेट पर भीम आर्मी कार्यकर्ताओं ने सिटी मजिस्ट्रेट को ज्ञापन सौंपा। वंदे भारत न्यूज से जगनेश सोलंकी की रिपोर्ट। अच्छा, ये प्रदर्शन जो कर रहे हैं, क्या है मामला? ये प्रदर्शन कर रहे हैं चंद्रशेखर भाई, सहारनपुर के देवबन में गए थे। एक हम उनके कार्यकर्ता की माता जी का देहांत हो गया था, उससे मिलने के लिए वहाँ से वापस आ रहे थे। तो जैसे ही वापस उन्होंने यू टर्न लिया, एक स्कॉर्पियो की गाड़ी थी, उन पे जानलेवा हमला किया गया। चार फायरिंगें की गई और फायरिंग उनके साथ और भी हमारे कमेटी के सदस्य थे, उनके हाथ में भी लगी हुई है और ब्रजपाल जी की भी लगी हुई है और चंद्रशेखर भाई के भी गोली लगी हुई है। क्या मांग है आपकी? हमारी ये मांग है कि चंद्रशेखर भाई को जेड प्लस सुरक्षा दी जाए। और ये देखिए, दोबारा ये भाई के साथ ऐसी घटना घट रही है। हम नहीं चाहते कि पूरे भारत में ये बहुत बड़ा आंदोलन हो जाएगा अगर भाई को कुछ हुआ तो। इसलिए सरकार से हमारी अपील है, चंद्रशेखर भाई को जल्दी से जल्दी जेड प्लस की सुरक्षा दीजिए और आरोपियों को कड़ी से कड़ी सजा दे।